नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार में आई हुई जिला स्तर की एक नई भर्ती के बारे में। दोस्तों, बिहार में जिला बालिका गृह में जो है एक नई भर्ती निकल के आई हुई है। अगर आप जो है इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अभी जो है आप इसके लिए आवेदन कर पाइएगा। और यहाँ पे आप लोगों का जो योग्यता रहने वाला है वो सिर्फ 8वीं 10वीं पास यहाँ पे रहने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 8वीं या फिर 10वीं पास हैं, तो वो भी जो है इसमें आवेदन कर पाएंगे। किस तरीके से आप लोग का योग्यता रखा गया है, कौन कौन सा पद यहाँ पे रहने वाला है, किस तरीके से आप लोग को आवेदन करना है, सब कुछ मैं आप लोग को यहाँ पे जानकारी देने दोस्तों। यहां पे जो पोस्ट आप लोग का रहने वाला है वो आप लोग का कुक हो गया, हेल्पर हो गया, इसी तरीके का जो पद है वो आप लोग यहां पे होने वाला है। तो ये जो है बहुत ही छोटा छोटा आप लोग का पोस्ट होता है, तो इन्हीं सभी पदों पे आप लोग का जो बहाली है वो यहां पे होने वाला है। और योग्यता भी आप लोग यहां पे कम मांगा गया है। किस तरीके से आप लोग को आवेदन करना है सब कुछ मैं आप लोग को पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोग को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो लोग हैं उनको यहां पे जानकारी मिल सके और हम आपके लिए जो है हमेशा इसी तरीके की अच्छी अच्छी जो वीडियो है वो हमेशा लाते रहें। चलिए हम आप लोगों को यहां पे बताते हैं किस तरीके से आप लोगों का आवेदन होने वाला है, किस तरीके से बहाली निकल के आई हुई है। तो सबसे पहले दोस्तों, इस बहाली के बारे में जानने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने गूगल में लिखना है YTDC। आप यहां पे जो लिखा हुआ देख रहे हैं सेम यही आप लोगों को अपने गूगल में लिखना है। जैसे आप गूगल में लिखिएगा आप लोगों को सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पर चले आना है। फिर आप नीचे आइएगा तो यहां पर लेटेस्ट अपडेट, सरकारी योजना, लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन मिलता है। लेटेस्ट अपडेट या फिर लेटेस्ट जॉब में आपको चेक करना है, यहां पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा बिहार जिला बालिका गृह भर्ती 2023। अगर आप लोगों को नहीं मिलता है तो थोड़ा सा नीचे चेक कीजिएगा, नीचे आप लोगों यहां पे जो पोस्ट है वो देखने को मिल जाएगा, इस पे आपको जो है क्लिक करना है। जैसे आप यहां पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से आप लोगों का पोस्ट यहां पे ओपन हो जाएगा। इस पोस्ट का डायरेक्ट लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा, तो वहां से डायरेक्टली क्लिक करके भी आप जो है इस पोस्ट पे आ सकते हैं। फिर आप नीचे कीजिएगा तो यहां पे मैंने आप लोगों को पूरा जानकारी दे रखा है। आप नीचे आइएगा तो यहां पे आप लोगों का जो डेट है वहां पे बताया गया है। तो आप लोगों का जो आवेदन है वो 2/9/2023 से यहां पे जो शुरू कर दिया गया है और आप लोगों को 16/9/2023 तक यहां पे आवेदन चलने वाला है। पोस्ट के बारे में जानकारी दिया गया, सबसे नीचे आइएगा तो यहां पे जो है आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। और सबसे नीचे कीजिएगा तो इंपॉर्टेंट लिंक्स का ऑप्शन है, यहां पे देख पाओगे चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, क्लिक करके आप क्लिक कीजिएगा तो यहां पे जो नोटिस है वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से यहां पे डाउनलोड हो जाएगा। तो यहां पे देख पाओगे कुछ इस तरीके से आप लोगों का नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। और ये जो आप लोगों का बहाली है ये जो है आप लोगों का नालंदा समाहरणालय बिहार शरीफ की तरफ से यहां पे निकाला गया है। आप थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहां पे जो इस बहाली के बारे में पूरा जानकारी दिया गया है। यहां पे देखिए आप लोगों का जानकारी दिया गया है कि नालंदा में संविदा के आधार पर अस्थायी नियोजन हेतु विज्ञापन। तो ये जो है संविदा के आधार पे आप लोग का बहाली होने वाला है। पूरा यहां पे जानकारी दिया है किस तरीके से आप लोग का बहाली होने वाला है। सबसे पहले यहां पे देखिए कौन कौन सा पोस्ट रहने वाला है। तो यहां पे जो सबसे पहला पद रहने वाला है, मैं जूम कर, यहां पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो आप लोग का पद रहने वाला है वो मैनेजर कोऑर्डिनेटर का पद रहने वाला है, जो कि जनरल के लिए यहां पे रहने वाला है। और एक पोस्ट आप लोग का रखा गया है, आप लोग का जो प्रतिमाह वेतन रहने वाला है वो 23,170 रुपया रहने वाला है। उम्र सीमा की बात करें तो 25 से लेकर 45 साल आप लोग का उम्र सीमा रहने वाला है। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सामाजिक कार्य या फिर समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, विधि या अन्य किसी विषय में जो है सामाजिक विज्ञान विषय में स्नातक अगर आप किए हुए, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया कि आप लोगों का बच्चों के विकास कार्य में कम से कम जो है 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। प्री स्कूल बाल देखरेख संस्थान में कार्य अनुभव को अधिमानता दी जाएगी, यानी कि अगर आप कहीं पे पहले से काम किए हुए हैं 2 साल किसी स्कूल में जहां पे बच्चों को देखा जाता था, तो उसके लिए जो है आप लोगों को थोड़ा सा और भी यहाँ पे जो है बेनिफिट मिलने वाला है। और MS ऑफिस पर कार्य करने की आपका क्षमता होना चाहिए, यानी कि जो कंप्यूटर में MS ऑफिस होता है, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब आप लोग यहाँ पे काम करना आना चाहिए, तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। फिर यहाँ पे जो सेकंड आप लोग का पोस्ट रखा गया है वो आप लोग का सामाजिक कार्यकर्ता सह अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर का पद रहने वाला है, जिसमें कि एक पद आप लोग यहाँ पे रहने वाला है। और 22 से 45 साल आप लोग यहाँ पे जो है एज लिमिट रहने वाला है। सैलरी 18,536 रुपये यहाँ पे रहने वाला है। सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान या फिर जो है अन्य किसी विषय में सामाजिक विज्ञान में स्नातक अगर आप किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया कि विषम परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के साथ कार्य करने का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, इस बात का भी आप लोग वहां पे ध्यान रखना है। फिर थर्ड आप लोग का जो पोस्ट रहने वाला है वो नर्स का पद आप लोग वहां पे रहने वाला है, जो कि केवल महिला के लिए यहां पे रहने वाला है। और इसमें जो आप लोग का सैलरी रहेगा वो 11,916 रुपया रहने वाला है और 45 वर्ष तक आप लोग का एज लिमिट रहने वाला है। सरकारी भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा जो है मान्यता प्राप्त नर्सिंग में जो है इंटरमीडिएट डिप्लोमा अगर आप किए हुए तो आप यहां पे आवेदन कर सकते हैं। और हॉस्पिटल में कम से कम 1 साल आप काम किए होने चाहिए तो आप यहां पे आवेदन कर सकते हैं। फिर यहां पे जो है आप लोग का चिकित्सक का पद रहने वाला है, यानी कि डॉक्टर का पद रहने वाला है, जिसमें कि यहां पे अंशकालिक यानी कि पार्ट टाइम ये जो है आप लोग का जॉब रहने वाला है, जिसमें कि 9,930 रुपए यहां पे जो सैलरी है वो आप लोग का रहने वाला है। और डिग्री में MBBS आप लोग का मांगा गया है। फिर यहां पे जो पांचवा आप लोग का पद रहने वाला है वो आया का पद रहने वाला है, यानी कि यहां पे जो है जो देख रेख करते हैं बच्चों का उनको आया बोला जाता है, तो उन्हीं का पे पोस्ट आप लोग का रहने वाला है। ये जो सिर्फ महिला के लिए आप लोग का पद रहने वाला है, इसमें 6 पोस्ट आप लोग यहां पे रहने वाला है और सैलरी आप लोग का 7,944 रुपए
यहाँ पे रहने वाला है और एज लिमिट 20 से लेकर 45 साल आप लोग यहाँ पे रहने वाला है। अगर आप सिर्फ पढ़ लिख सकते हैं यानी कि साक्षर हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो अगला पोस्ट रहने वाला है वो चौकीदार का यहाँ पे पद रहने वाला है जो कि केवल महिला हेतु आप लोगों का रहेगा यानी कि बालिका गृह में है तो सिर्फ यहाँ पे महिलाओं का भर्ती किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है सिर्फ महिला के हेतु जो है आप लोगों का चौकीदार का पद रहने वाला है जिसमें कि 7944 रुपये आप लोगों का जो सैलरी वहाँ पे रहने वाला है और यहाँ पे जो एज लिमिट 20 से लेकर 45 साल यहाँ पे रहने वाला है। अगर आप पढ़ना लिखना जानते हैं यानी कि 8वीं 10वीं पास हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब इसके बारे में जानकारी दिया गया कि आप लोगों को आवेदन किस प्रकार से करना है तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को जानकारी दिया गया कि इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आवेदन पत्र, बायोडाटा, फोटोग्राफ, सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण के लाभ हेतु आवासीय प्रमाण पत्र, आरक्षण के लाभ हेतु की स्व अभिप्रमाणिता छाया प्रति दिनांक 16/9/2023 के शाम 5 बजे तक यानी कि 16 तारीख तक आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कहाँ पे आप लोगों को भेजना है वो यहाँ पे जानकारी दिया गया है, यहाँ पे एक ईमेल आईडी दिया गया है, इस ईमेल आईडी पे आप यहाँ पे भेज सकते हैं। नहीं तो आप निबंधित किसी डाक के माध्यम से आप जो है सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई असमत बिल्ला कागजी मोहल्ला भैंसासुर रोड कब्रिस्तान के बगल में बिहार शरीफ आप इस पिन कोड पे भेज सकते हैं। तो ये जो है आप लोग यहाँ पे पता रहने वाला है, इस पता पे आप जो यहाँ पे डायरेक्टली जो है डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे ईमेल दिया हुआ है, इसमें आप लोग को अपना जो बायोडाटा हो गया, अपना जो यहाँ पे फोटोग्राफ हो गया, आप लोगों का जो यहाँ पे शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो गया यानी कि आप लोग का जो यहाँ पे 10-12 का मार्कशीट हो गया, जो भी आप लोग का ग्रेजुएशन का मार्कशीट हो गया, ये सब आप लोग वहाँ पे लगाकर साथ में आप लोग का जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ये सब आप लोग को लगाकर जो है डायरेक्टली जो है पीडीएफ बनाकर सेंड कर देना है इस ईमेल आईडी पे तो आप लोग का आवेदन हो जाएगा। नहीं तो आप निबंधित डाक के माध्यम से भी यहाँ पे भेज सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग को आवेदन करना है, सब कुछ मैंने आप लोग वहाँ पे जानकारी दे दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब के लिए धन्यवाद।